दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी रही है और सबसे लंबे समय तक उसने राज भी किया है, उस पार्टी की हालत इस वक्त जब वो विपक्ष में है, काफी समय से विपक्ष में है, 7 साल तो हो गया, खासकर केंद्र की राजनीति में। और सब मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ये भी कहती है कि जल्दी ही भारत को हम कांग्रेस से मुक्त कर देंगे, यानी कांग्रेस मुक्त भारत। मैं नहीं जानता क्या होगा क्या नहीं होगा, हम उस पर बात भी आज नहीं कर रहे हैं। हम तो बात ये कर रहे हैं कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसमें क्या क्या हो रहा है। क्या सचमुच कांग्रेस पार्टी, अगर सियासत के हिसाब से देखा जाए, तो एक सियासी अजायब घर बन गई है, एक राजनीतिक म्यूजियम की तरह। ऐसा लगता है कि विचित्र विचित्र किस्म के लोग इस कांग्रेस पार्टी में तरह तरह की बयानबाजी, तरह तरह के वितंडे, तरह तरह की बातें किया करते हैं, और केंद्रीय नेतृत्व तो देखता रहता है, बहुत दिलचस्प, कभी एक्शन लेता है, कभी नहीं लेता है, कभी स्वयं वो सो जाता है, कभी अचानक लगता है कि वो इस समय सुसुप्तावस्था में है। अभी कांग्रेस पार्टी में एक G23 नाम का एक समूह बना हुआ है, ग्रुप 23। ये अगस्त 2020 में इसने एक लेटर लिखा था कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, और उसके बाद ये G23 जो है सामने आया। अब G23 के नाम पर पिछले दिनों जम्मू में, यानी जम्मू कश्मीर का जो शहर है जम्मू, उसमें एक सम्मेलन हुआ एक NGO के बैनर पर, और वहाँ पर केसरिया रंग का जो साफा है उसको बांध कर बहुत सारे नेता अवतरित हुए। हालांकि नेता 23 नहीं थे, उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, और उसमें गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, इस तरह के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इस तरह के नेता अवतरित हुए मंच पर। उन्होंने तरह तरह की बातें की, और नेक्स्ट डे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी, उनकी तारीफ भी की। हमने राज्यसभा में भी देखा, जब उनका आखिरी भाषण हो रहा था तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी और उनके बीच में जिस तरह का संवाद का आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे के प्रति भावुक हो गए, वो सब हमने देखा, पूरे देश ने भी देखा। तो अभी स्थिति ये है कि ग्रुप 23 जो पहले था, अभी उसमें 3-4 लोग ही दिखाई दे रहे हैं जो सक्रिय हैं, बाकी लोगों ने जम्मू जो कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद उससे किनारा कर लिया है, क्योंकि ऐसे लोगों का मानना है कि ये जो ग्रुप 23 जो बना था, पार्टी के चाल ढाल में, काम काज में करेक्शन की कोशिश के लिए बना था, न कि हम कोई डिसिडेंट एक्टिविटी करना चाहते थे, हम कोई नेतृत्व को चुनौती नहीं दे रहे थे। तब उसमें पृथ्वीराज चौहान जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र में, आपको याद होगा, और इसके अलावा जतिन प्रसाद, वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़े नेता माना जाता है उनको पार्टी का, पता नहीं उनका जनाधार शाहजहांपुर के आसपास कहाँ है, लेकिन वो लोग भी अब अलग हो गए। इसके अलावा उनको बकायदे चुनाव में प्रभार भी दे दिया गया। इस बीच में वीरप्पा मोइली, बड़े नेता कर्नाटक के, और वीरप्पा मोइली साहब के अलावा बहुत सारे और जो नेता हैं, इनमें ऐसे भी कुछ नेता हैं जो गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, ये सभी नेता, अजय सिंह हैं, संदीप दीक्षित हैं, PJ कुरियन हैं, ये सभी नेता अब G23 से अपने को अलग कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो G23 अब G3 में बदल गया है, जिसमें प्रमुख रूप से गुलाम नबी आज़ाद हैं, आनंद शर्मा जी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। अगर इन तीन में भी देखा जाए तो कुल मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गुलाम नबी आज़ाद, यही अपने अपने सूबों में थोड़ा बहुत जनाधार जिनका बचा हुआ है। तो हो सकता है कि भविष्य में कोई ये क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय समूह बनाकर एक रीजनल पॉलिटिकल जो एस्पिरेशन इनकी है उसके हिसाब से काम करें, हम नहीं जानते कि क्या करेंगे, लेकिन एक अटकल जो लगाई जा रही है। लेकिन मैं जब सियासी अजायब घर कांग्रेस को कहता हूं तो बड़ी दिलचस्प बात है। अब देखिए, आनंद शर्मा जी और गुलाम नबी आज़ाद, ये लोग लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ नेहरू गांधी परिवार, यानी जिसको कांग्रेस आला कमान कहा जाता है, उसके रहमो करम पर भारत की संसद में आते रहे।
गुलाम नबी आज़ाद साहब तो लोकसभा तक में भी आए, कभी महाराष्ट्र से, कभी और कहीं से, लेकिन राज्यसभा में अगर देखा जाए उनका पूरा कार्यकाल आनंद शर्मा का, तो राज्यसभा में ही वो रहे। कोई 28 साल रहा, कोई उससे भी ज़्यादा रहा, लगातार थोड़े बहुत बीच बीच में गैप भी होते रहे मंत्री बनने में, लेकिन उपमंत्री से लेकर और कैबिनेट के तमाम बड़े पोस्ट पर गुलाम नबी आज़ाद रहे। 1984 में वो उपमंत्री बने थे, केंद्रीय उपमंत्री उन दिनों एक कैबिनेट में होते थे, उपमंत्री बनाए जाते थे, वो इंदिरा गांधी जी की रिजीम में बने थे। फिर इसके बाद आनंद शर्मा हर ओहदे पर रहे, लेकिन अपने इलाकों में, अपने प्रदेशों में इनका कोई खास जनाधार कभी रहा नहीं। लेकिन आज वो लोग कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस पार्टी को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। अभी आनंद शर्मा ने जो एक संगठन है जो बंगाल में चुनाव लड़ रहा है, और उसने कांग्रेस के साथ और लेफ्ट के साथ एक तरह से उनकी एक साझेदारी है, ISF के नाम से, सेकुलर फ्रंट वो अपने को कहते हैं, और उस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए था, और अगर गए भी तो उनको वर्किंग कमेटी में बात करनी चाहिए थी। इसको उन्होंने चैलेंज किया अधीर रंजन चौधरी को, अधीर रंजन चौधरी ने उसका बड़ा कड़ा जवाब भी दिया, जो बंगाल के बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और लोकसभा में वो कांग्रेस के संसदीय दल के नेता हैं, विपक्ष के भी नेता हैं। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी में वे लोग इस वक्त केंद्रीय नेतृत्व को, या जो इस समय पॉलिसी मेकर्स कांग्रेस पार्टी के हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा से फिलहाल उनकी सदस्यता अब गुलाम नबी आज़ाद की ख़त्म हो गई, और भी लोग निकट भविष्य में जल्द ही कई लोग चले जाएंगे, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के पास उतनी सदस्यता भी नहीं है राज्यों में, जहां से कि वो राज्यसभा के नए उम्मीदवार के रूप में इन सबको मनोनीत करके भेज दें। तो बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, बहुत सारे लोग गलबहियाँ भी कर रहे हैं सत्ताधारी दल से, ये भी एक आरोप लगाया जा रहा है। जिस तरह की बातें की जा रही, अब जम्मू में अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दूसरे दिन वो बयान न दिया होता तो शायद उन पर ये आरोप नहीं लगता, लेकिन अब तो खुलेआम आरोप लग रहा है। जम्मू में उनके खिलाफ प्रदर्शन तक हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन देखिए, मैं जब कहता हूं कि कांग्रेस सचमुच अजायब घर है, तो इसके लिए केवल इस तरह के नेताओं को जिम्मेदार या दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैं समझता हूं कि इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व जो इस पार्टी का है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं, वो न जाने किस हवा महल में रहते हैं, कि उस हवा महल में वो रहते हैं और केवल कुछ एक लोगों के सूचना तंत्र पर, कुछ लोगों की जानकारी पर वो आधारित होते हैं। उनके पास जो फीडबैक आते हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, जो गांव देहात में कहा जाता है कि कान के कच्चे लोग हो जाते हैं बड़े ओहदों पर, वही हाल अपने देश के आला कमान का है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक बड़ी दिलचस्प वाक्य आज का बताता हूँ। अभी सवेरे मुझे सूचना मिली कि बिहार कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता HK वर्मा, उनका देहांत हो गया, संभवतः बीती रात हुआ और आज सुबह उनको क्रिमेट किया गया होगा। तो जब ये खबर सुबह मुझे मिली, तो मैं चूंकि बिहार को मैंने कवर किया है लंबे समय तक, बिहार में HK वर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, वो कार्यकारिणी में भी रहे, प्रदेश के बड़े शरीफ, समझदार और पढ़े लिखे नेताओं में वो गिने जाते थे। MSc थे फिजिक्स से, और लॉ का भी उन्होंने कोर्स किया था, लॉ की डिग्री उनके पास थी, यानी काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता था एक लंबे दौर तक, वो उनसे प्रेस के मामले में, मीडिया के मामले में सलाह जरूर करता था। अभी भी वो संभवतः विचार सेल या मीडिया सेल के वो चेयरमैन थे। 81 वर्ष की अवस्था में भी वो कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वस्व अपना देते रहे, और उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी और नहीं बिल्ड किया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि HK वर्मा को, 81 वर्ष के HK वर्मा को, और वो बहुत युवा थे तभी से वो कांग्रेस पार्टी के होल टाइमर बन गए, लेकिन उनको कभी न तो MLA बनाया गया, न तो MLC बनाया गया, न तो उनको राज्यसभा में लाया गया, न तो कभी लोकसभा का टिकट दिया गया, कभी उस व्यक्ति को किसी भी पद पर मनोनीत नहीं किया गया, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि जात बिरादरी और इसके अलावा मनी पावर, इन चीज़ों से
उनका, और परिक्रमा जो केंद्रीय नेतृत्व की परिक्रमा होती है उसमें भी वो आगे नहीं थे। तो परिक्रमा भी नहीं करते थे और जात बिरादरी भी उनकी ऐसी नहीं थी जो दलबंदी कर सकें, जो बता सकें कि वो वोट बैंक उनके पास है। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कमिटेड कार्यकर्ता थे। हो सकता है कि नेहरू दौर में अगर वो पैदा हुए रहते और नेहरू दौर के वो नेता होते तो शायद उस समय के नेतृत्व की नज़र उन पर गई होती और उनको कुछ बना दिया होता। लेकिन वो बगैर कोई पद पाए, बगैर किसी तरह का उनको राजनीतिक एक तरह से ओहदा दिए बगैर उनका इस दुनिया से अवसान हो गया। लेकिन उसी पार्टी में 24 साल, 26 साल, 28 साल तक वे तमाम लोग राज्यसभा में बने रहते हैं, नॉमिनेट होते हैं पार्टी द्वारा, और उनको दूसरे, उनके अपने प्रदेशों से नहीं दूसरे प्रदेशों में से राज्यसभा में भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो परिक्रमा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े जो नेता पार्टी के हैं, केंद्रीय नेतृत्व जिसको कहा जाता है, आला कमान जिसको कहा जाता है, नेहरू गांधी परिवार जिसको कहा जाता है, उसके मनपसंद, उसकी मनपसंद बातें किया करते हैं। और इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व जो है एक कुल मिलाकर गुब्बारा हो जाता है फूल कर उनकी बातों से, और उनको महान मानता है और उनको इसके लिए तोहफा देता रहता है। और यही स्थिति आज से नहीं है, बहुत पहले से है दोस्तों। खासकर इंदिरा गांधी के ज़माने से ये चीज़ शुरू हो गई। संजोगवश कल राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की आलोचना की, उसको एक तरह से उसके लिए देश ने माफ़ी मांगी भी, और पहले भी कांग्रेस के नेता इमरजेंसी की आलोचना करते रहे हैं, आत्मालोचना रदर करते रहे हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस पार्टी अपनी कार्यशैली नहीं बदलती, एहसास के बावजूद, आत्मालोचना के बावजूद वो अपने कामकाज की शैली नहीं बदलती कि एच के वर्मा कभी कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद इस तरह के नेता लगातार पाते रहेंगे, और जब नहीं पाएंगे तो वो हमला भी करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि कांग्रेस पार्टी के वे नेता जो इमरजेंसी में और इमरजेंसी के पहले इंदिरा जी की काफ़ी, कभी दुर्गा कहते थे, कभी इंडिया इंदिरा कहते थे, वही लोग फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ शाह कमीशन में गवाही भी देते थे। तो ऐसा भी दौर देखा है कांग्रेस पार्टी ने। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमारे देश में सियासी अजायब घर है। ये विचित्र विचित्र किस्म के लोगों, नेताओं का एक ऐसा अजायब घर है जिसे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि इसका संचालन कौन करता है, कैसे करता है, उसके पास क्या विजन है और क्या ढर्रा है, क्या सांचा है, किस फार्मूले, किस फॉर्मेट के तहत ये पार्टी चलती है, किसी को शायद नहीं मालूम। और यही कारण है कि आज कांग्रेस इस तरह की क्राइसिस में फंसी हुई है और उससे उबरने का उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो इन शब्दों के साथ कांग्रेस पार्टी पर आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।